जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से भारतीय बाज़ार लगातार जो है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड स्तर बनाए जा रहे हैं। लोग जो है ज़बरदस्ती शॉर्ट करने के चक्कर में जो है वो अपने हाथ को जला रहे हैं। तो किस तरीके से हम लोगों को प्लान करना चाहिए कल के लिए। आज रात को US के बाज़ार बंद हैं, कल वहाँ पे हाफ डे था, तो वहाँ से कुछ खास क्यूज़ अभी के लिए हमें नहीं मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त 25-30 पॉइंट के आसपास ऊपर ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी जो है वो चल रहा है। तो उसका पूरा सिनेरियो जो है वो क्या रह सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 4000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो आज ऑनेस्टली कुछ बात करने के लिए है नहीं। क्योंकि अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे जो है थोड़ा आज नेगेटिव कारोबार जो है हम लोगों को देखने को मिला, अपार्ट फ्रॉम चाइना मेनलैंड, जहाँ पे जो है जिसके बाज़ार जो है लगभग 1% के आसपास तेज़ थे। निकेई की बात करें 1% नीचे, हैंगसेंग की बात करें फ्लैट था। यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं बिल्कुल फ्लैट, मतलब कुछ भी जो है वो करने के मूड में नहीं है। साथ में डाओ जोन्स की अगर हम बात करें तो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे फ्यूचर्स में जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे भी कुछ हमें एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। बट हमारे बाज़ार को उससे क्या, हमारे बाज़ार लगातार गैप अप करके जो है वो एक लीनियर अप मूव जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, देखो कल मैंने आप लोगों को एक 5 गैप थ्योरी के बारे में बताया था। अगर 5वां गैप अप होता है जनरली उसका रीटेस्ट होता है, ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कितने गैप अप्स हुए हैं, अगर हम जो है गैप अप्स की यहाँ पे बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5वां गैप अप जैसे ही हुआ उसका प्रीवियस कैंडल का रीटेस्ट होना लाजमी था, और वो रीटेस्ट हम लोग को बहुत प्यारा जो है वो होता हुआ दिखाई दिया। आप लोगों के साथ मैंने लेवल्स भी शेयर जो है वो कल किए थे, उन लेवल्स को अगर आप देखो तो बहुत प्यारे तरीके से लेवल्स को फॉलो किया गया। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी लगभग 19,300-19,280 का लेवल, वहाँ पे बाज़ार ने सपोर्ट लिया 15 में टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद बहुत अच्छी अपमूव आई। देन ये पुल बैक क्यों आया, सबसे ज़्यादा लोगों का ये सवाल था कि यार संचित भाई, जब एक बार ब्रेकआउट हुआ, डे हाई का ब्रेकआउट हुआ 19,413 के आसपास का, उसके बाद यार ये पुल बैक क्यों आया। उसका मेन रीज़न था पुट कॉल रेशियो। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जब ये ब्रेकआउट हुआ था 19,410-1,420 के आसपास का, लगभग 1.7 का था, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 2 के आसपास था। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, 2 के आसपास पुट कॉल रेशियो था। वो थोड़ा यूफोरिया स्टेज हो गया था, पुट कॉल रेशियो को हल्का करना था। तो उसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा जो है प्यारा ट्रेड जो है वो मिला। उसके बाद दोबारा से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज जाके बंद हो गया। बैंक निफ्टी में अगर हम 15 में टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारा टारगेट था लगभग 45,575 का, वहाँ तक बैंक निफ्टी गया, वहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देन नीचे की साइड आके बंद हुआ। फाइनेंस निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, जो लेवल्स हमने एग्जैक्टली डिस्कशन किए थे, ये लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किए थे। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर देन 91,000 से ज़्यादा हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट हमें ऑलरेडी मिल ही रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक लेवल, वो लेवल था 20,300 का, बहुत प्यारा यहाँ पे सपोर्ट बनाया 20,300 पे, और उसके बाद जो है वन साइडेड रैली हमें एक बार के लिए 20,577 तक जो है वो फाइनेंस निफ्टी की आती हुई दिखाई दी। बहुत अच्छे ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग सेशन अभी के लिए हमारे लिए जा रहे हैं, और उसका हमने बहुत जो है वो भरपूर रूप से फ़ायदा भी उठाना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, एज एन ऑप्शन बायर ट्रेंडिंग डेज बहुत कम मिलते हैं, अब मिल रहे हैं तो इसका अगर आप भरपूर फ़ायदा नहीं उठाओगे तो फिर जब साइडवेज दिन आएंगे, जो साइडवेज महीने जो बीते हैं उस टाइप के महीने अगर दोबारा से आएंगे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो सिंपल लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। मार्केट ने आज जो है अपनी रेंज डिफाइन कर दी है, मार्केट ने
आज अपनी एक रेंज जो है उसको डिफाइन कर दिया है। पहली रेंज जो इसने ऊपर की साइड में डिफाइन करी है, दैट इज 19435 से लेकर 19450 की रेंज। ये रेंज अगर ब्रेकआउट होती है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा जो है वो अपसाइड का ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकता है। ये ट्रेड अपने को लेके जाएगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 19580 तक की जगह मेरे को बैंक निफ्टी में जो है वो दिखाई दे रही है। शॉर्ट अपने को कहाँ पे करना है, शॉर्ट करना है कोई भी प्रीवियस स्विंग अगर टूटता हुआ अपने को दिखाई देता है तो इस वक्त इंपॉर्टेंट स्विंग कौन सा है, इंपॉर्टेंट स्विंग है 19300 से 19280 का स्विंग। 19300 से 19280 का स्विंग अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है देन हम जो है वो शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 19180 से 200 का लेवल, जो अपने को थोड़ा फोकस में रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट लेवल आगे चलते हुए हो सकता है। बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में एक बार मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में बनी है। एक जो है दोनों साइड का मोमेंटम आ गया ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा पॉज लेता हुआ दिखाई दे कल के दिन में, ठीक है, पुट कॉल रेशियो को थोड़ा और ईज करने के लिए। बट 45650 और ये वाला लो दैट इज़ 45,000, ये एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो बन गई है बैंक्स में। इसका मिड पॉइंट अगर हम बात करें तो ये बन के आता है अराउंड 45,350 के आसपास। तो अब अपने को क्या करना है, देखो 45,350 के ऊपर जब तक रहेगा ये बाज़ार, मान लीजिए कल गैप अप होता है और इस एरिया के आसपास कहीं भी खुलता है तो हर डिप पे बाइंग जो है वो आएगी। हो सकता है कल ये गैप अप हो और उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे, दिन सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे आफ्टर पुट कॉल रेशियो का कूल ऑफ होने के बाद। दूसरी चीज़, अगर 45,350 के नीचे ये बाज़ार सस्टेन करता है देन हम लोग जो है वो एग्रेसिव बाय करने के फेवर में नहीं है। 45,340 के ऊपर ही हम लोग एग्रेसिव बाय करने के फेवर में है। पोजिशनल बाय अपने को तब करना है जब 45,650 के ऊपर ये बाज़ार निकले और ऑन द डाउन साइड में 45,000 के नीचे ही हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। उसके बाद के लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा विद चार्ट्स, तो आप जो है हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।